आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कोर मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं और क्यों ये हर फिटनेस रिजीम का पार्ट होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वर्कआउट यू फॉलो। तो चाहे वो एरोबिक्स हो, फंक्शनल ट्रेनिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या योगा ही क्यों ना हो, जब हम कोर मसल्स की बात करते हैं तो वो आपके सिर्फ सिक्स पैक एब्स नहीं होते हैं। योर कोर इज मोर देन योर एब्स। ये एक तरह से आपके बॉडी का पावर हाउस होता है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करी जाए तो हर मेजर मसल जो आपके स्पाइन को मूव कराने में, स्टेबलाइज और सपोर्ट करने में मदद करता है, उसे हम कोर मसल्स कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स के लिए थोड़ी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत से लोगों को लोअर बैक पेन की शिकायत रहती है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं या ड्यू टू फ्रिक्वेंट इंजरीज की वजह से कोई भी फिटनेस रिजीम लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। ये सभी फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके वीक कोर मसल से रिलेटेड होते हैं। स्पेशली फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी या बढ़ती उम्र के साथ लो एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से उनके कोर मसल्स और वीक होते चले जाते हैं। तो ये हाईली इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए एंड ऑफकोर्स गुड लुकिंग मिडरिफ के लिए कोर वर्कआउट ज़रूर करें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें दिखाई जाने वाली एक्सरसाइजेस के लिए आपको स्पेशल जिम मेंबरशिप की या किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इन एक्सरसाइजेस को आप 3-4 सेट्स के एक सर्किट में फॉलो कर सकते हैं या आप चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पिक एंड चूज कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को और उनके 10-15 रेप्स परफॉर्म करिए। हफ्ते में 2-3 बार कोर वर्कआउट करना सफिशिएंट होता है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है बर्ड डॉग। इस एक्सरसाइज के लिए आप सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए, जिसमें आपकी नीज डायरेक्टली आपके हिप्स के नीचे और हैंड्स डायरेक्टली आपके शोल्डर्स के नीचे होंगे। फिर न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करते हुए, एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करते हुए आप एक आर्म अपने सामने की तरफ एक्सटेंड करिए और उसी आर्म के ऑपोजिट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेट एक्सटेंड करिए। आपका ये आर्म और लेग ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए। इस पोजीशन में कुछ सेकंड पॉज करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। सेम एक्सरसाइज को आप दूसरे आर्म और ऑपोजिट लेग के साथ रिपीट करिए। दिस कम्प्लीट्स वन राउंड। दूसरी एक्सरसाइज है फ्रंट प्लैंक। इसके लिए आपको अपने पेट के बल इस तरीके से लेटना है कि आपके फोरआर्म्स फ्लैट हों और फिस्ट राइट अंडर योर आईज हों। फिर प्लैंक पोजीशन में आने के लिए आपको अपने चेस्ट, ग्लूट्स और थाइज ग्राउंड से ऊपर इस तरीके से पुश करना है कि आप हेड टू हील्स एक स्ट्रेट बॉडी लाइन मेंटेन करें। प्लैंक पोजीशन को होल्ड करते हुए आपको अपने ग्लूट्स टाइट रखने हैं और एब्स एंगेज रखने हैं। स्टार्ट विद 2-3 सेट्स ऑफ 15-30 सेकेंड होल्ड्स। ध्यान रहे कि आपके हिप जरूरत से ज्यादा नीचे सैग नहीं करने चाहिए या आपकी बैक बम्प्ड अप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड प्लैंक। इसके लिए आप अपनी बॉडी के पहले एक साइड लेट जाइए, लेग्स को इस तरीके से एक्सटेंडेड रखिए कि एक फुट दूसरे फुट के ऊपर स्टैक्ड अप हो। आपका एल्बो डायरेक्टली आपके शोल्डर के नीचे और फोर आर्म सामने की तरफ पॉइंटेड होना चाहिए। फिर अपने हिप्स को इस तरीके से लिफ्ट करिए कि आपका बॉडी वेट आपके एल्बो और टांगों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आपकी बॉडी में एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना चाहिए। होल्ड इन दिस पोजिशन फॉर सम टाइम एंड देन रिपीट ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक शोल्डर टैप, जिसे हाई प्लैंक पोजीशन से स्टार्ट किया जाता है। आपके आर्म स्ट्रेट रहेंगे विद हैंड्स डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स एंड योर लेग्स एक्सटेंडेड। आपकी बॉडी में एंकल से शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होना चाहिए। फिर धीरे से अपने एक हाथ को उठा के ऑपोजिट शोल्डर पर टैप करिए और इसी तरह से दूसरे हाथ को ऑपोजिट शोल्डर पर टैप करिए। इन रिपीटेशंस को परफॉर्म करते हुए आपके कोर और ग्लूट्स एंगेज रहने चाहिए और आपके हिप्स ज़रूरत से ज़्यादा साइड टू साइड मूव नहीं होने चाहिए। द रेस्ट ऑफ योर बॉडी शुड स्टे एज स्टिल एज पॉसिबल। नेक्स्ट एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर्स को भी हाई प्लैंक पोजीशन से स्टार्ट किया जाता है। अपने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट रखते हुए एक एक करके आप अपनी नी को चेस्ट की तरफ लाइए। स्टार्टिंग में आप अपनी मूवमेंट को स्लो रख सकते हैं, लेकिन विद प्रैक्टिस इन रिपीटेशंस की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करिए।
अब है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज। इसके लिए आप अपने बैक पे स्ट्रेट लेट जाइए, अपनी नीज को बेंड करिए सो दैट योर फीट रेस्ट फ्लैट ऑन द फ्लोर। एक टांग को बेंड रखते हुए दूसरे टांग को सामने की तरफ स्ट्रेच्ड आउट रखिए। अपने हील को प्रॉपरली स्टेबलाइज करते हुए हिप्स को इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करिए। कुछ सेकंड पॉज करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आइए। एम फॉर 10 रेप्स ऑन ईच लेग, देन स्विच टू द अदर लेग। कोर वर्कआउट के बहुत से और बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप अपनी वर्कआउट रिजल्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग कोर से होती है, क्योंकि कोर मसल्स आपके रिब केज, स्पाइन, शोल्डर्स और आपके ग्लूट्स को सपोर्ट करता है। तो अगर आपकी कोर मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उन्हें होनी चाहिए, तो काफ़ी एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट्स, प्लैंक्स, लंजेस, बर्पीस, पुशअप्स और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेस की परफॉर्मेंस सफ़र होती है। बैक इंजरीज बहुत ही कॉमन होती है जब भी आप कोई नया फिटनेस रजीम स्टार्ट करते हैं। तो नए वर्कआउट के साथ साथ अगर आप कोर स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान देंगे तो आप काफ़ी सारी इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। रेगुलर कोर एक्सरसाइजेस से आप अपनी एब्स को टोन कर सकते हैं और वेल डिफाइंड एब्डोमिनल मसल्स भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसे स्पॉट रिडक्शन के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मिथ है। कोर एक्सरसाइजेस से आपकी ओवरऑल बॉडी बैलेंस और स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। काफ़ी डेली एक्टिविटीज़ जैसे सीढ़ी चढ़ना, भारी सामान उठाना और बेंड करने में भी आपकी परेशानियां कम होती हैं। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये कंटेंट आपके काम का है, आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।